बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं भिंडी यानी ओकरा के बारे में। इसको लेडी फिंगर भी कहा जाता है। एक बारी फिर इसको लगाने का मौसम आ गया है। हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करें इस सीज़न में। फेब मार्च में लगाया जाता है। कराची में हम अगस्त में भी इसको लगा सकते हैं। ये दोबारा आइडियल टाइम है इसकी सोइंग का। ये मेरे सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये कुछ अर्सा कबल हमने लगाया था यहाँ पे, देखने के लिए कि इस जगह पे कैसे परफॉर्म करता है। अच्छा, एक टिप जो है, अगर हमने घर में सब्ज़ियाँ उगानी हैं और हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर हार्वेस्ट मिले, थ्रू आउट द सीज़न मिले, तो सब्ज़ी ना भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं सीड से, तो कोशिश क्या करें कि एक ही वक्त तमाम की तमाम जो भी हमारे पास पैकेट में क्वांटिटी हो वो यूटिलाइज़ नहीं करनी, उसको फेजेस में लगाना है। तो यही तरीकाकार है। ये यहाँ पर मैंने एक प्लांट लगाया था ओकरा का, देखने के लिए कैसा चलता है। इस पर तो माशाल्लाह फ्रूटिंग स्टार्ट है। फिर ये 7 से 10 दिन हो गए हैं। यहाँ पे एक आध प्लांट की कैपेसिटी थी, वो ऐड कर दिया। मज़ीद आपको दिखाते हैं कि हमने फेजेस में और भी लगाए, कुछ छोटे पॉट्स में लगाए जी। तो इन कुछ छोटे पॉट्स में मैंने 5 प्लांट्स लगाए थे, एक नहीं सरवाइव कर सका। बारिशें मुसलसल होती रही हैं, उन पर डायरेक्ट पानी लगता रहा है। अच्छा, इनकी सोइंग के बाद फिर मैंने एक छोटा सा जो है वो बकेट जो होता है प्लास्टिक का, उसमें भी लगाए। दिखाते हैं आपको। इसमें मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लांट है। ये लगाने के बाद 5 दिन कबल इस वाली क्यारी में भी मैंने कुछ सीड्स सो किए हैं, वो माशाल्लाह से जर्मिनेट होना शुरू हो गए। ये देखें, तो बस यही एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी कि सर्दियों की जो भी मतलब सैलिड लीव्स हों, लेटस वगैरह की पूरी जो भी वैरायटी आप लगा रहे हों, या भिंडी वगैरह जो भी चीज़ लगाएं, उसको फेजेस में लगाएं। एक तो उसका एडवांटेज ये होगा कि कोई मिस्टेक हुई होगी, कोई इश्यूज़ आए होंगे, तो आपके पास सीड्स बैकअप में होंगे। दूसरा ये कि आप ऑन रेगुलर बेसिस पर आपको हार्वेस्ट मिल सकता है। आप थ्रू आउट द सीज़न, मतलब जैसे अगर मेरे पास वहाँ जो पीछे आपने 7-8 प्लांट देखे, उससे फ्रूटिंग लेता हूँ, तो कोई थोड़ी सा भिंडियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद जब ये वाले बेड पे तैयार होंगी तो उस दिन थोड़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ऑन रेगुलर बेसिस मुझे जो है हार्वेस्ट मिल रहा होगा। तो बस यही चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी। खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ कहना चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अल्लाह निगहबान।